नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आपके नए YouTube चैनल में। आज के फिर से एक नई वीडियो में, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022 के बारे में। यानी कि कृषि यंत्र अनुदान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकली है। अगर आप भी बिहार से हैं, आप भी किसी प्रकार का यंत्र लेना चाहते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, यानी कि इस बार 80% अनुदान राशि आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में तमाम बातें वीडियो में डिस्कस करने वाले, कब से इसका आवेदन होगा। हम आपको एक और बात बता दें, पहले जो भी कृषि मशीन थे वो 75 किस्म के ही थे, लेकिन और 5 किस्म और भी उसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि टोटल 80 किस्म के यंत्र आप ले सकते हैं। तो तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर जो दिखलाई दे रहा है पेपर कटिंग 9 मई 2022 को जारी किया गया था। यहाँ देख सकते हैं हेडिंग में लिखा गया कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को राज्य से फिर मिलेगा अनुदान। ठीक है, अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यानी बारी बारी से समझाया गया, इसमें बढ़िया से आपके यहाँ से पढ़कर हम समझाते हैं। यहाँ से पेपर कटिंग हम थोड़ा जूम कर दिए, देख सकते हैं कृषि यंत्र पर अनुदान देने की योजना एक साल बंद करने के बाद अब राज्य सरकार फिर से चालू करने जा रही है। यानी पहले योजना क्या था, एक साल बंद था, लेकिन फिर इसे सरकार चालू करने जा रही है। ठीक है फ्रेंड, केंद्र की योजना तो पहले से ही चल रही है, लेकिन किसानों को इससे काम नहीं चला तो फिर राज्य सरकार अपनी योजना लाने जा रही है। लगभग 100 करोड़ का प्लान बना है, सरकार की मुहर लग गई तो इस बार 80 यंत्रों का अनुदान मिलेगा। यानी कि पहले 75 ही यंत्र हुआ करते, जो भी यंत्र थे 75 ही है, लेकिन उसमें 5 और जोड़ दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार अपनी खजाने से लगभग 75 यंत्र का अनुदान देती रही है। गत वर्ष इस बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार न सिर्फ अनुदान मिलेगा बल्कि यंत्रों की संख्या भी बढ़कर 80 हो जाएगी। लागत का 50% अनुदान मिलेगा, पराली प्रबंधन से जुड़ी यंत्रों पर 80% अनुदान मिलेगा। यानी कि पराली से अगर जुड़ी कोई भी यंत्र खरीदते हैं तो आपको 80% का अनुदान मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, नए यंत्रों में सरकार सबसे अधिक जोर लैंड लेवलर पर होगा। इसके अलावा गन्ना पराई मशीन पर भी अनुदान मिलेगा। उद्यान से जुड़े कुछ नए यंत्र भी अनुदान सूची में इस बार शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नई योजना में किसानों को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान किया गया है। नए यंत्रों के संचालन के साथ साथ यंत्रों के रख रखाव की ट्रेनिंग किसानों को दी जाएगी। यानी कि पहले 75 किस्म का मशीन था, लेकिन इसमें और 5 जोड़ दिया गया है, अब 80 हो गया है। और उसके साथ साथ अगर आप मशीन खरीदते हैं उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, किस तरह चलाना है, उससे रखना किस तरह है। इसमें नई अपडेट यही निकल कर आई है, से राज्य सरकार बंद कर दी थी योजना, अब फिर शुरू करने की तैयारी। इस बार 5 और यंत्र भी अनुदान की सूची में जोड़े जाएंगे। गने प्राइस और उद्यान से जुड़ी नए यंत्रों का मिलेगा अनुदान। गत वर्ष राज्य अपनी योजना के बंद करते हुए केंद्रीय योजना से नहीं चला काम। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से हम आपको बता रहे, अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि कब से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। बस जितना अपडेट आया था हम आपको यहाँ से बतला दिए, जैसे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट जारी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो चैनल पहली बार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, जैसे ही अपडेट कुछ आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी किसान भाइयों को मालूम चल सके, ताकि